नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। चमकी का कहर टूटा तो बिहार सरकार की नींद खुली। मौत का आंकड़ा 150 के पार गया तो चमकी से पीड़ित परिवार के लोगों को लेकर सर्वे कराने का फैसला किया गया और सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट अब आ गई है। पटना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में इस सर्वे को रखा गया है। रिपोर्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। चमकी से जो परिवार पीड़ित हुए हैं उनमें अधिकांश के पास कच्चे मकान हैं, उनके पास पक्के मकान नहीं है। इसके अलावा करीब 30% परिवार ऐसे हैं इनमें से जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। यानी उन योजनाओं पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जो सूबे में चलाए जा रहे हैं। क्या गरीबों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद प्रधान सचिव स्वास्थ्य महकमे के जो हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि इनमें से लोगों 30% लोग जो हैं उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। अब इस रिपोर्ट को सोमवार को गहन चर्चा के लिए रखा जाएगा और अधिकारी इस पर अब सफाई दे रहे हैं कि जिन लोगों तक योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा है उन्हें इसका फायदा जल्द पहुंचाया जाएगा। आरंभिक सर्वे किया गया है, उसके आधार पर कुछ लीड हमारे पास आए हैं, जैसे कि उसमें से अधिकांश लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, 30% के समक्ष राशन कार्ड नहीं है, तो ये प्रारंभिक डेटा है। तो इसके लिए जीविका समूह के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनके माध्यम से एक डिटेल्ड सर्वे सोशियो इकोनॉमिक प्रारंभ कराया जाएगा। उसके बारे में आज मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है और ये सर्वे सोमवार से प्रारंभ कर दिया जाएगा और आशा करते हैं कि 2-3 दिनों के अंदर जब उसके रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो उसके आधार पर हम बेहतर स्थिति में होंगे इस बात को कहने के लिए। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मासूमों की मौत जारी है। अभी तक 170 बच्चों की मौत बिहार में हो चुकी है। इस मसले पर लोकसभा में पीएम नहीं बोले तो आलोचना हुई, लेकिन राज्यसभा में जरूर उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन सवाल उठता है कि सीएम कहां है, वो क्यों नहीं बोल रहे? सवाल करने पर भड़क जाते हैं, यहां तक कि डिप्टी सीएम भी खामोश हैं। हाँ, मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स से मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करने की फुर्सत उन्हें जरूर है, लेकिन चमकी पर एक बार भी कुछ लिखने का टाइम अब तक नहीं मिला है। राज्य सरकार में छाई खामोशी को लेकर सियासत और तेज हो गई है। नहीं थम रहा है चमकी का कहर। मासूमों की मौत का आंकड़ा 165 पार। पीएम मोदी ने दिया जवाब, सीएम कब बोलेंगे? बिहार में चमकी का कहर जारी है। मासूमों की मौत की संख्या हर रोज बढ़ रही है। 169 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चों की हालत नाजुक है। अकेले मुजफ्फरपुर में 130 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। दो अस्पतालों में कुल 601 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और उन 601 केसेस में से अब तक हम लोग 367 पेशेंट्स को जो एडमिट हुए थे उनको ठीक करके घर भेज चुके हैं और वो एक अच्छी खबर है। वर्तमान में मात्र अब 27 ऐसे पेशेंट हैं दोनों अस्पताल मिलाकर जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिस राज्य में 169 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाए उस राज्य के सीएम खामोश रहें तो ये बात चुभती है। देश को विकास की राह पर ले जाने को आतुर पीएम लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोले। आलोचना हुई तो पीएम ने राज्यसभा में जरूर इस मसले को उठाया, शर्मिंदगी जाहिर की। यहां पर बिहार के चमकी बुखार की भी चर्चा हुई है, हम सभी के लिए दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग के अंदर, और मैं मानता हूं पिछले 7 दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएं हैं उसमें ये एक सबसे बड़ी विफलता है, उन विफलताओं में से एक विफलता है और इसको हम सबने गंभीरता से लेना होगा। मुझे विश्वास है कि ये जो दुखद स्थिति है, मैं राज्य सरकार के नीति संपर्क में हूँ, मैंने हमारे देश के आरोग्य मंत्री को भी तुरंत वहाँ दौड़ा था और मिलकर के मदद कर करके उसमें से जितना भी जल्दी हो सके संकट में से
सबको बाहर निकाल सके। राज्य के हालात ऐसे हैं कि सीएम तो चुप हैं ही, लेकिन सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बात करने वाले डिप्टी सीएम भी मासूमों से मुंह फेरे हुए हैं। हाँ, मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 का खिताब जीतने वाली श्रेया शंकर से मुलाकात की तस्वीरें साझा करने से वो चूक नहीं रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। लाज शर्म तो कुछ है नहीं, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। हमने कहा है और आज भी हम इस बात पर कायम है कि हमारी परंपरा में लोगों का श्राप लगता है, ये गरीब गुरबा लोग, बेसहारा लोग, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उसी परिवार के बच्चे जो है मारे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जैसे नीतीश जी ने स्वयं माना कि हेल्थ मिनिस्टर के पार्ट पे लैप्सिस रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि हेल्थ मिनिस्टर को अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, किसी कॉम्पिटेंट आदमी के हाथ में हेल्थ मिनिस्ट्री दी जानी। चमकी से मासूमों की मौत पर पीएम ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। लोकसभा में ना सही, राज्यसभा में मासूमों की मौत पर शर्मिंदगी जाहिर की। पीएम ने दिखा दिया कि वो मासूमों की मौत से परेशान है, लेकिन सीएम क्या कर रहे हैं? डिप्टी सीएम क्यों सवालों से भागते हैं? जवाब तो उनको भी देना चाहिए। आखिर दोनों खामोश क्यों हैं? शायद सरकार को इंतजार है कि मानसून के बाद धीरे धीरे ये मसला खत्म हो जाएगा, तब जवाब देने की बारी आएगी। पटना से शैलेंद्र के साथ, दिल्ली से स्वप्निल और आसिफ, जी मीडिया। चमकी बुखार पर पीएम के बयान का बीजेपी ने स्वागत किया है, सही बताया है। बीजेपी ने कहा कि मामले की जांच हो रही है, जांच का विषय है और जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी। पीएम मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, इस बात के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो अति संवेदनशील हैं, जल्दी कोई अपनी गलती नहीं मानता है। तो वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छा है। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। देश के सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, उसकी रैंकिंग जारी की गई है। बिहार का स्थान 21 राज्यों में से 20वां है, यानी आखिरी से ठीक एक पहले। आप समझ सकते हैं कि बिहार में हेल्थ सिस्टम किस स्तर का है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने राज्य सरकार की आलोचना की है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में बिहार नीचे। खराब रैंकिंग ने सरकार की खोली पोल। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। नीति आयोग की तरफ से जारी हेल्थ इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है, सिर्फ यूपी से ऊपर। रैंकिंग देखिएगा तो समझ में आएगा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे चल रही है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मामले में लेफ्ट शासित केरल देश का नंबर वन राज्य है। केरल लगातार दूसरी बार नीति आयोग की रैंकिंग में टॉप पर रहा है। केरल के बाद आंध्र प्रदेश नंबर दो पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर मौजूद है। गुजरात चौथे, पंजाब पांचवें और हिमाचल छठे स्थान पर है। जम्मू कश्मीर सातवें, कर्नाटक आठवें स्थान पर है, तमिलनाडु 9, तेलंगाना 10वें, पश्चिम बंगाल 11वें और हरियाणा 12वें स्थान पर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ को 13वां स्थान मिला है, झारखंड को 14वां, असम 15वें स्थान पर है, राजस्थान को 16वां स्थान मिला है, उत्तराखंड को 17वां स्थान, मध्य प्रदेश को 18वां, ओडिशा को 19वां स्थान मिला है, जबकि बिहार को 20वां स्थान मिला है और आखिरी में यूपी है जिसे 21वां स्थान मिला है। रैंकिंग से साफ है कि बिहार की स्थिति क्या है और इस रैंकिंग के जारी होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। इस रिपोर्ट से मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। इस रिपोर्ट ने उस बात की तस्दीक की है जो बिहार का जर्रा जर्रा जानता है, हर व्यक्ति जानता है, डॉक्टर्स जानते हैं, मंत्री जानते हैं, विधायक जानते हैं। ये मैं समझ रहा हूं संदेश होना चाहिए वहां की सरकार को और केंद्र की सरकार को
कि जुमले में मुल्क को चलाओगे ना, आज चुनाव जीत रहे हो, इतिहास डस्टबिन में डाल के रख देगा। मैं तो कहता हूँ नीतीश जी, अगर आप में अभी भी संवेदना बची है, वैसे मुझे पता है आप संवेदनहीन व्यक्ति हैं, लेकिन संवेदना बची है तो आप भी इस्तीफा दीजिए, उप मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दें और मंगल पांडे जी से भी इस्तीफा लेने का काम करें। हेल्थ इंडेक्स के जारी होने के बाद बिहार सरकार क्या बोलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या अब दंभ ठोकेगी? 14 साल से सत्ता पर काबिज हैं सीएम नीतीश कुमार, अब उनकी जवाबदेही बनती है कि वो अब इस मसले पर भी बोलें कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। आरजेडी की जब सरकार रही तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, जब एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आई तो बेसिक जो स्वास्थ्य के पैरामीटर थे वो भी वहाँ एकदम नहीं थे। जिला अस्पताल में भी एक कैथ लैब तक नहीं होता था, उसको खड़ा करने में समय लग रहा है और जो कमियां हैं उसको भी पूरी की जाएगी। बीजेपी सफाई दे रही है कि आने वाले दिनों में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर राष्ट्रीय लेवल का होगा, लेकिन 14 साल में क्या किया इसका जवाब न बीजेपी दे रही है न जेडीयू बोलने की स्थिति में है। स्वप्निल के साथ आसिफ, जी मीडिया, दिल्ली। हेल्थ इंडेक्स में बिहार क्यों पिछड़ा है, इसकी एक वजह है। दरअसल बिहार में अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है, चाहे पटना के सरकारी अस्पताल हों या फिर मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच का हाल क्या है यह हर किसी को मालूम है। अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है, और सिर्फ एसकेएमसीएच का हाल ही खराब नहीं है बल्कि पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग का हाल खस्ता है। बिहार के अस्पतालों को इलाज की जरूरत, एसकेएमसीएच के परिसर में घूमते हैं इन्फेक्शन। कैंपस से पानी निकालने की भी व्यवस्था नहीं। एसकेएमसीएच गंभीर रूप से बीमार है और इसे इलाज की सख्त जरूरत है, नहीं तो इस बीमार अस्पताल में इलाज से जिंदगी बचेगी नहीं बल्कि मौत के मुंह में जाएगी। अब देख लीजिए, अस्पताल परिसर में सुअर यूं ही आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे। एसकेएमसीएच अस्पताल का मैं नजारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ सुअर घूम रहे हैं। कहा जाता है कि सुअर के इन्फेक्शन से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन अस्पताल में ये खुलेआम रहते हैं और एक नहीं दर्जनों की संख्या में यहाँ पर सुअर रहते हैं। इससे इन्फेक्शन की बात भी बताई जाती है मेडिकल साइंस में, बावजूद उसके सुअरों का आना अस्पताल में जारी है। सिर्फ सुअरों का नहीं है, कैंपस में थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो चारों तरफ पानी भर जाता है। यह अस्पताल के डॉट सेंटर के पास की तस्वीर है, सेंटर के ठीक सामने पानी जमा हुआ है। एसकेएमसीएच के गायनी डिपार्टमेंट के पीछे मैं हूँ, नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इसी के अंदर गायनी से रिलेटेड जो भी महिलाएं हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, और आप देख सकते हैं किस तरह छत टूटा हुआ है। ऊपर का जो टॉयलेट का पानी है वो रिस कर नीचे आ रहा है, किस तरह से पानी तो रिस ही रहा है, साथ ही बगल में एक छोटा सा कमरा नुमा बना हुआ है, यहाँ भी गंदगी है, बगल में नाला है। गायनी विभाग जहाँ डिलीवरी होती है, महिला रोग का इलाज होता है, उस वार्ड के बाहर खिड़की के बगल की तस्वीरें हैं। ऊपर के तल्ले का शौचालय का पानी खिड़की के सामने गिरता रहता है। अस्पताल भवन जर्जर हो गया है। जच्चा बच्चा को इन्फेक्शन से बचाना है, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन मुंह खोले तैयार है। एसकेएमसीएच का एक बिल्डिंग का हिस्सा और मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये बिल्डिंग है, और यहाँ जो पाइप ऊपर से आ रहा है वो टूटा हुआ है। स्थिति है कि नीचे गंदगी है, और उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के ढेर के बीच जो है यहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है, खास करके कहा जाए गंदगी। सामने सेफ्टी टैंक है वो भी जो है खुला हुआ है, ऐसे में किसी भी तरह की बीमारी से के इन्फेक्शन से बचाना मरीजों के लिए मुश्किल साबित होगा। बिल्डिंग की सर जो कमी है उसके लिए भी देख रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कब तक शुरू होंगे, क्या परेशानी आ रही है? वो बिल्डिंग जो बन रही है वो तो एक ट्रॉमा सेंटर है,
एक है सुपर स्पेशलिटी का, उधर MCH बिल्डिंग है और सरकार ने तो ऑर्डर कर दिया है नया बिल्डिंग बनने का। वैसे तो ये मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल की कहानी है, जिले की हकीकत कुछ और है। जिले में MBBS डॉक्टर के 333 पद हैं, लेकिन सिर्फ 98 MBBS डॉक्टर तैनात हैं। आयुष चिकित्सक के 86 पद हैं, पर तैनात सिर्फ 53 हैं। स्टाफ नर्स के 246 पद हैं, पर काम कर रही हैं सिर्फ 39 नर्स। ANM के 859 पद हैं, पर 702 ANM काम कर रही हैं। ANM संविदा के लिए 583 पद हैं, पर 234 संविदा वाले ANM काम कर रहे हैं। ड्रेसर के 131 पद हैं, सिर्फ 20 लोग काम कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन के 128 पद हैं, लेकिन काम करने वाले सिर्फ 20 हैं। फार्मासिस्ट के 131 पद हैं, लेकिन सिर्फ 10 कर्मचारियों के भरोसे जिला स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है। भगवान भरोसे सिस्टम चल रहा है, कब चरमरा जाए पता तक नहीं चलेगा। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। बीजेपी और JDU के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हालिया बयानबाजी ने इस तनाव को और बढ़ाने का ही काम किया है। हालांकि दोनों दल किसी भी तरह की दरार से इनकार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का तो मजे लेने का मौका विपक्ष को मिल गया है। NDA में दोस्ती या दरार, एकजुटता के हो रहे दावे, फिर क्यों बयानों के बौछार। पिछले कुछ दिनों से NDA में घमासान मचा है। बीजेपी और JDU के नेता विपक्ष पर हमला बोलने के बजाय एक दूसरे को ही निशाने पर ले रहे हैं। खासकर बीजेपी नेता सच्चिदानंद राय और JDU के गुलाम रसूल बलियावी के बीच की बयानबाजी ने विपक्ष के कान खड़े कर दिए हैं। बीजेपी और JDU के इन तीखे हमलों को लेकर विपक्ष तरह तरह के मायने निकालने में लगा है। क्योंकि नीतीश जी कभी संघ मुक्त कर रहे थे, फिर संघ युक्त हो गए। इतने विरोधाभासों में जब कोई जीने लगता है, जब कोई दल जीने लगता है, तो उसके पास प्रतीक के रूप में मर्यादा विहीन चीजें ही बचती हैं, चाहे भाजपा का मामला हो या JDU का। कि ये गठबंधन जो है सो अब टूटने के कगार पे है, और मैंने तो आपके चैनल पे भी कहा था, चुनाव के वक्त में भी कहा था कि रिजल्ट जो भी हो, पॉजिटिव निगेटिव, ये गठबंधन जो है सो निश्चित रूप से टूट होनी ही होनी है। NDA के इस दरार ने भले ही विपक्ष की बांछे खिला दी, लेकिन बीजेपी और JDU दोनों किसी तरह के तनाव से इनकार करते हुए एकजुटता के दावे कर रही। पता नहीं, हमारा तो मजबूत सरकार है, मजबूत गठबंधन है, और हम जनता के काम के लिए हैं, अल बल बात के लिए नहीं है। हम बात में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। सब ऑल इज वेल है। जहां बड़ा परिवार होते हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग जहां रहते हैं वहां ऑल एंड वेल, ऑल इज वेल ही से रहते हैं। कोई परेशानी न है न होगी। अब एकजुटता के दावे तो अपनी जगह है, लेकिन दोनों दलों की ओर से हो रही तीखी बयानबाजी ने असहज स्थिति तो पैदा कर ही दी है। ऐसे में उन बयानवीर नेताओं को सधे हुए लफ्जों में चेतावनी भी दी जा रही। नहीं, सब कुछ ठीक है, JDU से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, और ये सही है कि दोनों दलों के नेताओं को, दोनों दल के बड़े नेताओं के लिए सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मेरे नज़र में सच्चिदानंद भाई को चाहिए था कि पार्टी के लेवल पर अपनी बात को रखना। बिहार में अगर उनकी बात न सुनी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास आकर दिल्ली में अपनी बात रखें। वो प्रेजेंट MLC हैं, उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। हमारे लिए BJP का मतलब श्री नरेंद्र मोदी है, हमारे लिए BJP का मतलब श्री अमित शाह है, हमारे लिए BJP का मतलब सुशील मोदी है। इक्के दुक्के व्यक्तियों की जो व्यथा है और कुंठाएं हैं, उनका जवाब देने के लिए हम उपलब्ध नहीं। ये तो साफ है कि BJP और JDU के बीच खटपट है, लेकिन इस तनाव को वक्त रहते संभालने की जरूरत है, नहीं तो नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। विधानसभा के नए भवन में हुई बैठक में आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी, बीजेपी के अरुण सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि सदन में सरकार किस तरह से विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देगी। इस दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से कोई सुझाव सरकार को दिए गए। बैठक के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बैठक पर संतोष जताया गया। राजधानी पटना में जाइलो गाड़ी से कुचलकर हुई चार बच्चों की मौत। तेज रफ्तार से आ रही जाइलो ने सड़क किनारे सो रहे चार बच्चों को कुचल दिया, जिसमें तीन की घटनास्थल पर मौत हो गई और एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने भाग रहे जाइलो कार का पीछा किया, जहां भागने के क्रम में जाइलो गाड़ी पलट गई। गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़ा और पीट पीट कर उसकी भी हत्या कर दी। सड़क पर भीड़ दिख रही है, आती जाती गाड़ियां दिख रही हैं और गौर से देखेंगे तो दिख रहा है इंसान का अमानवीय चेहरा। हाथों में डंडे लिए लोग दिख रहे हैं, डंडे लेकर खड़े दिख रहे हैं बच्चे भी, और करते दिख रहे हैं एक शख्स की पिटाई। इतना मारा कि भीड़ के आगे बेबस एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। एसयूवी गाड़ी है जो कि लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रही थी, जिसमें कि रोड के किनारे तीन बच्चे सोए हुए थे, चार बच्चे थे इनफैक्ट। अभी मामला की और हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुई और इसके संदर्भ में हम लोग विशेष जांच। अब जरा इस 3 सेकंड के इस वीडियो को देखिए। दाऊद बीघा इलाके में तेज रफ्तार से दौड़ती एसयूवी सड़क किनारे सो रहे बच्चों पर चढ़ गई। इस हादसे के बाद कार खंभे से टकरा कर पलट गई थी और कार में सवार दोनों लोगों को भीड़ ने पकड़ लिया। जख्मी हो चुके दोनों लोगों की पिटाई की गई और एक शख्स को जान से मार दिया गया। एक शख्स को पीट पीट कर मारने के बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और सड़क पर ही बवाल शुरू हो गया, आगजनी भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।